नमस्कार दोस्तों, मैंने जो आरबीटीएस का मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे सब लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो आरबीटीएस का ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोग को कुछ और भी कुछ इंटरडे में कैसे उसको करना है आप लोग को तो ये समझ में आया होगा कि एक्सपायरी में उसको स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस एक साथ हो जाएगा, उसमें आप लोग को प्रॉफिट आएगा। तो इंटरडे में इसको कैसे प्रॉफिट निकल सकता है वो आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने ये पीएल का एग्जांपल दिया है। सोच लीजिए, इसको इस पॉइंट में बाई सेल कर रहा हूँ। आप लोग को चीपर में बाई करना है और जिसका प्राइस बाई कम है उसका बाई करना है, जिसका प्राइस हायर है उसको सेल करना है। तो मैंने सोच लीजिए, पीएल में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। ये स्टॉप लॉस ठीक से चुनेंगे तो इंटरडे में आप लोग को अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। और इन्वेस्टमेंट वो आप लोग सोच लेंगे, आप लोग को कैसे ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में कैसे कौन से किस में आप लोग को आ सकता है। तो सोच लीजिए, इस पॉइंट में मैंने कैश और फ्यूचर में कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो अक्टूबर फ्यूचर को मैंने बाई किया और पीएल कैश को मैंने सेल किया 1540 में। अक्टूबर फ्यूचर को बाई किया 1500, सोच लीजिए इधर ही देखता हूँ, हाँ 1540 में बाई किया और 1585 में पीएल कैश को मैंने सेल किया। और फ्यूचर फ्यूचर में कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो नवंबर फ्यूचर को मैंने बाई किया 1526 में और अक्टूबर फ्यूचर को मैंने सेल किया 1540 में। इधर सोच लीजिए, क्या देखते हैं प्रॉफिट आता है क्या नहीं। देखिए इधर 10 पॉइंट जो मैंने अक्टूबर फ्यूचर ये 10 पॉइंट बढ़ा है, उधर वो भी 11 पॉइंट वो पीएल जो सेल किया था उसका सोच लीजिए 10 पॉइंट में स्टॉप लॉस लग गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इधर पीएल अक्टूबर फ्यूचर 58 हो गया, 1558 हो गया। और इधर मतलब उधर जब 10 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस लग गया, इधर 8 पॉइंट आप लोग को आपको प्रॉफिट आ गया। और फ्यूचर फ्यूचर में किया होता तो देखिए इधर कितने में आप लोग किया था, 1532 में बाई किया था और 1540 में सेल किया था। तो इधर देखिए जो बाई किया था मेरा ही 32 में, 32 में बाई किया था, वो 13 पॉइंट ऊपर गया। और जो अक्टूबर फ्यूचर को सेल किया था तो वो 1540 में वो 14 पॉइंट इधर लॉस हो रहा है। तो इधर देखते हैं, इधर इधर भी 13 पॉइंट प्रॉफिट गया और उधर 16 पॉइंट इधर भी लॉस आ रहा है। तो इधर देखते हैं दोनों तरफ, इधर ये 7 पॉइंट गिरा है और इधर नवंबर फ्यूचर भी 5 पॉइंट गिरा है। तो मतलब इधर आपको प्रॉफिट आ गया, फिर सेलिंग से आप लोग को प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे आप लोग देख सकता है। उसके बाद मैंने एक और भी एग्जांपल देख सा दिखाता हूँ, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस का इक्विटी। इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस का अक्टूबर फ्यूचर और इंडिया बुल हाउस सॉरी इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस का नवंबर फ्यूचर को मैंने लगाया है। तो इधर भी वो कम में बाई करना है और सेल करना है, इसमें मैंने 5 पॉइंट स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो देखिए इधर 9:45 में 2:46 में अक्टूबर फ्यूचर को बाई किया और 2:57 में कैश को सेल किया और 2:28 में नवंबर फ्यूचर को बाई किया और 2:46 में अक्टूबर फ्यूचर को सेल किया। इधर आके क्या होता है देखते हैं। इधर देखिए नवंबर फ्यूचर जो 240 वो 12 पॉइंट ऊपर गया और उधर 10 पॉइंट नीचे गया। तो इधर 242 और 242 से ये गया है 10 पॉइंट और उधर 5 पॉइंट स्टॉप लॉस लग गया। तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया। इधर भी फ्यूचर में नवंबर फ्यूचर में भी वो आपका 5 पॉइंट प्रॉफिट हुआ और उधर 5 पॉइंट स्टॉप लॉस लग गया। तो आपको 3 पॉइंट प्रॉफिट आ जाएगा आ गया। तो मैंने और भी देखा था हूँ, मैंने और जो इधर से जो ये जो आप लोग को दिखा है, जितना आप लोग को स्प्रेड जितना है 1% के ऊपर होगा तो अच्छा होगा।